अदालत में झूठ बोला, जाली कागजात दिए, झूठ बोला असेंबली में, सुप्रीम कोर्ट में, और बजाय शर्म से आप अपना सर नीचे करें। किस मुंह से आप लाहौर में आएंगे कि किसने पता करके दोनों बापे दिया है?
ये याद रखना, कौमें ऐसे तबाह नहीं होती, जलजले आए हैं, बड़ा नुकसान हुआ कौमों में, फिर खड़ी होगी, साइक्लोन आए हैं फिर खड़ी होगी, कौम तब तबाह होती है जब आप एक कौम की खलाकियात तबाह कर दे, जो कहते हैं मॉरल वैल्यू सबन कर दे। ए देखो, ए तेरे तदाजे अपने जगह पर डाकू चलो जाए, इधर जाओ, डाकू सर्वियों में जाते, इधर सुनना है। जब कौम के मुजरिम अपना मुंह शर्म से छुपाए, वो मजरूम बने हुए, अगर ये दोनों बाप और बेटी कामयाब हो जाते, मैं कह रहा हूं इंशाल्लाह ये होंगे तो नहीं। जेलों में चले जाते हैं, किसी का मोटरसाइकिल चोरी, या किसी की गाय चोरी, किसी की बैग चोरी, छोटी छोटी चोरियों में जेलों में, या करोड़ों रुपए की चोरी। तो सवाल यह है कि अगर ये इतना मुल्क को नुकसान पहुंचा के दलदलाते फिर सकते हैं, तो ये जेलों में लोगों को क्यों रखा हुआ? बोलने के मैं उन मीडिया हाउस टीवी एंकर्स साहबियों से पूछता हूं कि जब आप इस मुजरिम को अखबारों में सपोर्ट करते हैं, टीवी पे सपोर्ट करते हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अपने बच्चों के घर क्या बताते होंगे कि क्या चोरी बुरी चीज नहीं है? क्या अदालत में झूठ बोलना बुरी चीज नहीं है? क्या वो कौन जो आज मुखलूज हो चुकी है, बच्चा बच्चा आज मुखलूज है, क्या ये मुल्क से पैसा चोरी करके भाग लेते हैं, ये जिम्मेदार नहीं इसके? और वो जो छोटे चोरों को आप बड़ा कहते हैं, तो बड़े डाकुओं के लिए आप हर किस्म के बहाने मारते हैं कि नहीं जी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये पकड़ा गया, एस्टेब्लिशमेंट कार्रवाई कर रही। मुझे ये बताया कि ये पैनमा का जो इंकशाफ हुआ था, ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया था, ये इमरान खान ने किया था, तो बाहर आइसलैंड उनके एक हफ्ता लगा उसको निकालने में, बाहर एक हफ्ता, हम दो साल अदालतों के चक्कर इधर तो आपको आपको जगह बना बड़ी मुश्किल से जाओ इधर का जिस इधर जब इसको क्यों निकाला गया? तब से मजबूत बने हुए तो शानदार के लोगों आप सब तैयारी कर लो, 25 जुलाई कैसा दिन है? जब हमने पाकिस्तान की तकदीर बदली, हमने इन चोरों को शिकस्त दे दी, हम ये चोरों का गॉडफादर एक नवाज शरीफ, दूसरा सिंध में गॉडफादर जरदारी, अब मैं आज भी आपसे पेशन वही कह रहा हूं कि दोनों मिले हुए, ये हमेशा जब एक को मुश्किल पड़ती है दूसरी उसकी मदद करता है, जब जरदारी को सुप्रीम कोर्ट ने 60 मिलियन डॉलर तक स्विट्जरलैंड में पड़े हुए थे तो जवाब दल किया, तो इसकी मदद नवाज शरीफ ने की, और जब नवाज शरीफ फंसा धांधली में, हमने जब धरना दिया तो इसकी मदद जरदारी ने की, और अब ये जब जरदारी के ऊपर भी अब बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का 35,000 रुपए से शुरू हुआ था, 70,000 रुपए पहुंच गया, तो नवाज शरीफ के ऊपर 300 रुपए का जवाब देना है, तो जब
ये दोनों भाई फंसे तो लूड़ा कुश्ती खत्म हो रहा कट्ठे फिर मिलेंगे और फिर तो मिलो जरदारी और नवाज। मैं तो बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूं कि एक गेंद से तुम दोनों की विकेट लेना। सारे इलाकों में फिरा हूं, कोहिस्तान गया हूं, हजारा के इलाके में गया हूं और यहां जो सारे इलाके पाकिस्तान से भी जोर जमाएगी लेकिन जो बेरोजगार पाकिस्तानी बेटी इधर टूरिज्म के लिए आएंगे ये टूरिस्ट इंडस्ट्री में अलग होगी। ये पहली दफा हम कोशिश कर रहे हैं कि हर साल चार नए टूरिज्म के स्टेज हिल रहे हैं और इस इलाके में इंशाल्लाह